Hey all, this is Neeraj and once again welcome back to my channel Select You. आज की हमारी वीडियो है सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स के ऊपर. जो आज का एनवायरनमेंट है कोरोना का, इसके दौरान हम लोगों को पार्लर विजिट करना काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो सकता है. इसलिए ज़रूरत है हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनने की. कैसे हम घर पे ही थ्रेडिंग कर सकते हैं, अपने फेशियल हेयर्स रिमूव कर सकते हैं, एक इजी मैनी पेडिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम फेशियल कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ टिप्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. जब भी आप अपनी आईब्रोज बनवाते हैं एक इंस्टेंट चेंज आपके फेस के अंदर आपने नोटिस किया होगा. आईब्रोज जो है आपके फेस की ब्यूटी को काफी एनहेंस कर देते हैं. तो आज घर पे आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है, आपको आई पेंसिल से अपनी आईब्रो को आउटलाइन करना होता है. जो भी शेप आपको अपनी आईब्रो को देनी है आप उसको इस तरह करके आउटलाइन कर लीजिए. और जो ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हेयर्स जो रह जाएंगे उन हेयर्स को आप इस तरह के टीज़र की हेल्प से रिमूव कर लीजिए. थोड़ा सा पेनफुल रहता है लेकिन ये काफ़ी ईजी मेथड है और आपको पार्लर वाला जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. और अगर उन लोगों की ये अगर हम लोगों का ये इशू रहता है कि हम लोग पेंसिल से आईब्रो शेप नहीं कर पाते हैं, हम लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि जब कभी भी आप पार्लर से आईब्रो बनवाते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन ही आपको कुछ ग्रोथ नोटिस होती है, आप उन एक दो हेयर्स को तभी की तभी इस टीज़र की हेल्प से रिमूव कर लीजिए. इस तरह आपकी शेप भी प्रॉपर बनी रहेगी और आपकी आईब्रोज भी वेल ग्रूम रहेंगी. ये टीज़र इजीली मार्केट में और ऑनलाइन अवेलेबल है. इस तरह की किट जो है ऑनलाइन मिलती है, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं. इसके हेयर रिमूव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल आप फेशियल वैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वैक्सिंग स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो थ्रेडिंग का थ्रेड आता है उसकी भी हेल्प से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं. थ्रेड वही लोग इस्तेमाल कर पाते हैं जिन्हें वो यूज़ करना आता है, लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आप इस तरह के वैक्सिंग स्ट्रिप्स आते हैं, ये बहुत ही इस्तेमाल में ईजी होते हैं और ये अफोर्डेबल भी होते हैं. ये जो पैक है ये बॉडी वैक्स का पैक है लेकिन दोनों सेम ही आते हैं, फेशियल और बॉडी के. इसके अंदर 8 स्ट्रिप्स आती हैं. लेट मी शो यू द स्ट्रिप्स. इस तरह की स्ट्रिप्स आती हैं. मैं इन्हें छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेती हूँ लाइक दैट. इस तरह मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ. और ये जितना भी गम है ये आपके अपर लिप्स के हेयर रिमूव करने के लिए सफिशिएंट है. इसके लिए आप लोगों को सिंपली इसको रिमूव करना है और ये इस तरह के दो पैचेस में बन जाता है. इस तरह से ये स्ट्रिप पैचेस बन जाते हैं और इस पैचेस को आप सिंपली अपने अपर लिप्स पे इस तरह स्टिक कर लीजिए और अगेंस्ट द हेयर मोशन उसको यहाँ से खींच लीजिए. सारे हेयर्स इजीली रिमूव हो जाएंगे और हार्डली एक दो मिनट का टाइम लगता है ये प्रोसीजर करने में और फटाफट आपके फेशियल आपके अपर लिप्स के हेयर रिमूव हो जाएंगे. और अगर आप उनमें से हैं जो अपने फेशियल हेयर्स भी रिमूव करना पसंद करते हैं तो आप सेम यही स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए. पूरी स्ट्रिप इस्तेमाल नहीं करनी है, इस तरह ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स आपको कट करनी है. छोटे छोटे पैचेस में फेशियल हेयर्स रिमूव कीजिए, वो थोड़ा कम पेनफुल होगा. और अगर आपको पहले अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक बार इसका पैच टेस्ट ज़रूर करके देखें. आपको सिंपली इसको अपने फेस के ऊपर इस तरह प्रेस करना है और अगेंस्ट द हेयर डायरेक्शन इसको खींच लेना है, आपके हेयर्स ईजिली रिमूव हो जाएंगे. फेशियल हेयर्स जो हैं वो आप ब्लीचिंग की हेल्प से भी हाइड कर सकते हैं. अगर आपके फेस के ऊपर थोड़े बहुत हेयर्स हैं तो आप ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं यहाँ आपको शो कर रही हूँ सैरेल्स का ये ऑक्सीड्रम फेशियल हेयर ब्लीच और ये काफ़ी अच्छा रहता है. इसके पैकेज के अंदर ये बड़ा पैकेज है और इस पैकेज के अंदर इसका ब्लीच पाउडर, एक्टिवेटर और साथ में इस तरह के प्री एंड पोस्ट लोशंस भी आते हैं. ये काफ़ी अच्छे रहते हैं. इसके अंदर ब्लीचिंग के साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. और अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन देखना चाहें तो फेम के इस तरह के छोटे छोटे पैकेजेस आते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं. तो प्रेफर करूँगी कि आप ब्लीच का इस्तेमाल ओनली अर्जेंट बेसिस पे करें क्योंकि ब्लीच के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और वो आपकी फेशियल स्किन को काफ़ी हार्म देते हैं.
फेस को ग्लोई एंड शाइनी रखने के लिए वंस अ वीक आपको क्लीनअप या फेशियल जरूर करना चाहिए। इससे आपके फेस की जो स्किन है वो प्लम्पी और काफ़ी शाइनी और स्पॉटलेस बन जाती है। फेशियल और क्लीनअप के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक करें। फेशियल के लिए या क्लीनअप के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। किसी भी अच्छे क्लींजर की हेल्प से आपको अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप अपने फेस को स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने से आपके फेस की डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद कोई भी फेशियल मास्क जो है वो आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो मास्क आपको शो किए हैं, आप चाहें तो DIY मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। और अपने फेस का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर फेस मास्क अप्लाई करने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ एवर यूथ और पॉन्ड्स के ये फेस मास्क। बात कर लेते हैं पॉन्ड्स के क्ले मिनरल फेस मास्क के बारे में। ये फेस मास्क काफ़ी इफेक्टिव होता है और ये चारकोल वाला फेस मास्क है जो आपकी, अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है, रेडिएंट स्किन बनाता है आपकी। और ये इस तरह के पाउचेस में भी अवेलेबल है, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर ये आपको सूट करता है तो आप इसका बड़ा पैक परचेज कर सकते हैं। इसके बाद है एवर यूथ का ये पील ऑफ मास्क। ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और काफ़ी पॉपुलर है। ये 15 मिनट्स के लिए आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना होता है और फिर पील ऑफ करना होता है। ये इंस्टेंट रेडिएंट ग्लो आपके फेस के अंदर ऐड करता है। और अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैंने DIY फेस मास्क की वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को देख के DIY फेस मास्क अपने फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम अपने हाथों को किस तरह खूबसूरत और सॉफ्ट रख सकते हैं। अगर आपके नेल्स थोड़े से क्रैकी हैं, हाथ थोड़े ड्राई हो रखे हैं तो आपको खुद से अच्छा फील नहीं होगा। अपने हाथों को खूबसूरत रखने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे नेल पेंट्स रिमूव करने चाहिए, उनके शेड्स चेंज करने चाहिए। आपको वंस अ वीक अपने नेल्स को बिना नेल पेंट के छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। अपने हाथों को मॉइस्चराइज करने के लिए आप हैंड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्रीफर करती हूँ बोरो प्लस की ये क्रीम। ये हैंड और फुट क्रीम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन क्रीम है, आपको इसके बाद कोई स्पेशली फुट या हैंड क्रीम लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके फुट्स को और हैंड्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। और अपने पैरों को हेल्दी एंड सॉफ्ट रखने के लिए आपको सिंपली उसके ऊपर जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना है। इस तरह के टूल्स इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। इनके इस तरह के प्यूबिक स्टोन का इस्तेमाल करके आप जो आपकी हील्स के ऊपर डेड स्किन जमा हो जाती है और काफ़ी टाइट और क्रैकी हील्स हो जाते हैं वो आप अच्छे से हील कर सकते हैं। और इस तरह की ब्रश से उनको स्क्रब और वॉश करने के बाद आपको सिंपली बोरो प्लस की ये फुट क्रीम एज ए फुट क्रीम इस्तेमाल करनी है और आपके फुट्स जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। और इन सब के बाद सिंपली आपको अपनी फेवरेट नेल पेंट अपने नेल्स पे अप्लाई कर लेनी है और आपके नेल्स फिर से सुंदर एंड शाइनी बन जाएंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।